दोस्तों इस वीडियो में हम करेंगे 2019 में हुए बीए के एजुकेशन सेकेंड पेपर का रिव्यू और देखेंगे कि एजुकेशन में किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। इसके पहले भी मैंने कई सारे बीए के और क्लास टेंथ के पेपर का जो रिव्यू है यहाँ पर छोड़ा हुआ है यूट्यूब पर, अगर आप उसे चाहें तो आपको आई बटन पर एक लिंक मिल जाएगी, यहाँ पर आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए इस पेपर का रिव्यू करते हैं और देखते हैं पूरे 100 क्वेश्चंस और किस प्रकार के हैं ये भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पहला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मध्यकाल में स्त्री शिक्षा की व्यवस्था थी। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना है, जो आपका जो सही ऑप्शन है उस पर आपको टिक कर देना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, ज्ञान निजात मोक्ष का साधन है, किसने कहा था, यानी कि किसने कहा था ज्ञान निजात का साधन है, निजात यानी कि मोक्ष, ज्ञान मोक्ष का साधन है, इसे किसने कहा था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, मध्यकाल में उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, इसमें भी आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको जो सही लगे उस पर आपको टिक कर देना है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, मकतब का संबंध है, यानी कि मकतब शब्द का संबंध किससे है। इसके बाद पाँचवा क्वेश्चन, बौद्धकालीन उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या है। इसके बाद छठवां क्वेश्चन, बौद्धकालीन शिक्षा का माध्यम था, यानी बौद्धकालीन शिक्षा का माध्यम क्या था। इसके बाद सातवां क्वेश्चन, बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख संस्कार क्या है। इसके बाद आठवां क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो किसका नारा था। इसके बाद नौवां क्वेश्चन, कथानायक प्रणाली का शुभारम्भ हुआ था, यानी कि कब हुआ था। इसके बाद दसवां क्वेश्चन, उपनयन संस्कार का संबंध है, यानी कि किससे है, उपनयन संस्कार का संबंध किससे है। इसके बाद ग्यारहवां क्वेश्चन, वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य है। इसके बाद बारहवां क्वेश्चन, शिक्षा पद्धति वैयक्त थी, क्योंकि प्रत्येक गुरु अपने शिष्य के स्वयं सॉरी फिर से शिक्षा पद्धति वैयक्त थी क्योंकि प्रत्येक गुरु के अपने स्वयं के शिष्य होते थे, यह कथन किसका है। जिसका हो आपको उसके आगे टिक कर देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख दोष था, अब क्या था उसको आपको टिक कर देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, सिद्धिरस्तु है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, प्रवज्जा का शाब्दिक अर्थ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, बौद्ध शिक्षा के आदर्श का वैदिक शिक्षा के आदर्शों से घनिष्ठ संबंध था, यह विचार किसका है, ये आपको इसमें टिक कर देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, उप संपदा संस्कार संपन्न होता है, यानी कि किससे होता है, इस पर आपको टिक कर देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, मध्यकाल में नैतिक और चारित्रिक विकास के लिए पढ़ाया जाता था। अब ये इसमें देख सकते हैं चार ऑप्शंस दिए गए हैं, जो आपको सही लगे उस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, मध्यकाल में आदितीय प्रतिभा के छात्रों को उपाधि दी जाती थी। इसके बाद कौन सी उपाधि दी जाती थी उस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, प्राच्यवादी दल के नेता थे, कौन थे, अब इस पर आपको टिक करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, इतिहास का यह दुख पक्ष है कि 1813 में आज्ञा पत्र की धारा 43 सन 1833 से निष्क्रिय रहा, यह कथन है किसका है, उस पर आपको टिक कर देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की अलमारी का भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य से कम महत्व नहीं, यह कथन किस पक्ष से संबंधित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, गोखले बिल का उद्देश्य था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, वर्धा शिक्षा योजना के असफलता के प्रमुख कारण था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने कार्य दिवस की सिफारिश की थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, माध्यमिक शिक्षा आयोग मुदालियर कमीशन की प्रमुख सिफारिश थी, यानी मुदालियर कमीशन की प्रमुख सिफारिश क्या थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, वैदिक काल के स्नातक, इसके बाद 1, 2, 3, 4 इसमें बीच में आपको भरना है, उसके बाद वेदों का ज्ञान रखते थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, पशु चिकित्सा के जनक कौन थे।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, इसको चलिए देखते हैं। ब्राह्मण कॉलेजों में चतुष्टपथ पथ कहा जाता था क्योंकि वे, अब इसमें बीच में जो हो उस पर आपको टिक करके करके के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, प्राचीन भारत में एकल अध्यापक संस्था कहलाती थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, दिल्ली में प्रथम मदरसे की स्थापना की थी, किसने की थी प्रथम मदरसे की स्थापना, इस पर आपको टिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 34वां क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह संस्कार मनाने की आयु थी। इसके बाद 35वां क्वेश्चन, माध्यमिक विद्यालयों में प्रथम संचालन, माध्यमिक विद्यालयों का प्रथम संचालन हुआ था, यानी माध्यमिक विद्यालयों का संचालन कब हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, निस्पंदन सिद्धांत के जनक तथा इसे अस्वीकार करने वाली व्यक्तियों की जोड़ी का चयन कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले अभिभावकों को दंडित किया जाए, इस प्रकार का सुझाव दिया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से गोखले बिल द्वारा संतुष्ट प्राथमिक शिक्षा पर स्थानीय एवं प्रदेशीय सरकारों द्वारा किए गए खर्च के अनुपात का चयन कीजिए, यानी कि किस अनुपात में खर्च किया गया था सरकारों द्वारा, इस पर आपको टिक करना है। इसके बाद 39वां क्वेश्चन, सैडलर आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 40वां, नेक्स्ट पेज पर है। ये क्वेश्चन है, बेसिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में हस्त कौशल की शिक्षा हेतु निर्धारित समय था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, नई तालीम से संबंधित व्यक्ति हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में डॉक्टर DS कोठारी की रिपोर्ट का शीर्षक था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, अव्यय तथा अवरोधन की समस्या का अध्ययन किया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, इसमें आपको 8 ऑप्शंस दिए गए हैं, देख सकते हैं लगातार, पता नहीं क्यों दिए गए हैं। अब इसके बाद 44वां क्वेश्चन, खेल समिति 1938 निम्नलिखित परिवर्तन सुझाए, खेल समिति 1938 ने निम्नलिखित परिवर्तन सुझाए, इसमें भी आपको 8 ऑप्शंस दिए गए हैं, यानी कि इन दो क्वेश्चनों में आपको 8-8 ऑप्शंस दिए गए हैं और उन 8 ऑप्शंस में आपको टिक करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, टुवार्ड्स एन एनली एनलाइटेंड एंड ह्यूमन सोसाइटी नामक शीर्षक की रिपोर्ट लिखी, किसने लिखी, इस पर आपको टिक करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46, चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48, पूर्व प्राथमिक के जनक का नाम है क्या है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49, भारत सरकार ने पूर्व प्राथमिक शिक्षा की क्षतिपूर्ति के हेतु निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना की, अब किसकी की, इसमें आपको टिक करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, भारत सरकार द्वारा अधिगम बोझ कम करने के लिए किसे नियुक्त किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51, जीवन कुटीर आश्रम को वन स्थली विद्यापीठ के नाम से किस वर्ष बदला गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, पौंडीचेरी आश्रम में माताजी के नाम से कौन विख्यात थी। इसके बाद इसमें भी आपको 8 ऑप्शंस दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें 8 आपको ऑप्शंस मिले हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55, तक्षशिला स्थापित थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56, तत्व चिंतामणि ग्रंथ लिखा गया था। इसके बाद 57वां क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी 57वां क्वेश्चन एक छूट गया है, यहाँ पर देख लीजिए, गवर्नर जनरल की सभा में लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति हुई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58, पहली बार शिक्षा कर लगाने का सुझाव था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59, डॉक्टर DS कोठारी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की कब। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60,
किस आयोग ने सुझाव दिया कि कानून बनाकर 17 वर्ष से कम के छात्रों का प्रयोग चुनाव प्रचार न किया जाए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61, पंचमुखी शिक्षा कार्यक्रम को पसंद करने वाली संस्थाओं के युग्म को छांटिए। इसमें आपको चार ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 62, फोर्ट विलियम कॉलेज की कलकत्ता में स्थापना की गई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना दी है, किसने दी है या कब दी है, इस पर आपको टिक करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64, गायत्री मंत्र देने के पश्चात सभी ब्राह्मणाचार्यों को दिया जाता है, कमंडल मेरे हिसाब से दिया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65, खुले विश्वविद्यालय का उदाहरण है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66, कोठारी आयोग की रिपोर्ट विभाजित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67, नई शिक्षा नीति ने यह संभव नहीं की दिया कि क्या नहीं दिया, अब इस पर आपको टिक करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 68, पूर्व प्राथमिक शिक्षा में दोषपूर्ण शिक्षा विधि है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा में दोषपूर्ण शिक्षा विधि। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 69, बच्चों को समय के पूर्व स्कूल से हटा लेना कहलाता है, यानी कि जब कोई बच्चा आधी अपनी पढ़ाई करता है और आधी नहीं करता है तो उसे क्या कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70, पंडुचेरी आश्रम की स्थापना की गई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 71, वनस्थली विद्यापीठ की प्रमुख शैक्षिक कार्यक्रम है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 72, हमारी माध्यमिक शिक्षा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 72, हमारी माध्यमिक शिक्षा शिक्षा की सबसे कठोर कड़ी है, या किसका कथन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 73, प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्या है क्या है, इस पर आपको टिक करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन कब हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 75, कोठारी कमीशन को कहते हैं। इस बाद क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय सरकार ने राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम घोषित किया। ये हो गए हमारे 76 क्वेश्चन, अभी बाकी हैं 24 क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 77, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मुख्य योगदान था है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 78, नई शिक्षा नीति 1984 लागू हुई, कब हुई, इस पर किसने की, इसको आपको टिक करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 79, 10+2+3 शिक्षा संरचना का सुझाव दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 80, आयोग ने वस्तुनिष्ठ परीक्षा का सुझाव सर्वप्रथम दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 81, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग गठित हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12,